वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि होली अब बहुत ही कम दिन बचे हैं होली के, तो होली की शॉपिंग शुरू हो चुकी है और मैंने भी कुछ शॉपिंग करी। जैसा कि आप लोगों को मैंने एक अपने वीडियो में बताया भी था कि मैंने किचन से रिलेटेड कुछ शॉपिंग करी है और कुछ होम डेकोरेशन के लिए। तो वही मेरा मतलब ऑर्डर तो आ गया था काफ़ी दिनों पहले, लेकिन मैं इधर क्लीनिंग में लगी हुई थी तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी उसका। तो मैंने सोचा कि पहले उसको किचन में यूज़ करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं उसका, ताकि आप लोगों को भी अगर लेना हो किचन का सामान तो आप लोग भी ले सकते हैं। और हाँ, ये मैंने मीशो से मंगाया है, तो क्योंकि मीशो से अभी तक मैंने जितना भी सामान मंगाया है मेरा सारा ही सामान अच्छा आया और रीज़नेबल रेट पे था वहाँ पे। मैंने इसको अमेज़ॉन पे भी चेक किया था और फ्लिपकार्ट पे भी, लेकिन मुझे मीशो पे ये बहुत ही रीज़नेबल रेट पे लगा, तो मैंने इसको मंगा लिया। और बहुत दिनों से मैं इसे सोच रही थी मंगाने के लिए, तो मैंने मंगाया है ये दो बॉटल्स। अभी मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो मैंने सिर्फ बस इसको खोल के और चेक किया था इसमें पानी भर के कि कितना इसमें ऑयल आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक लीटर दिया हुआ था, तो बिल्कुल सही एक लीटर इसमें आ रहा है। एक लीटर की एक बॉटल थी आन्या की, स्कूल की, उस पर मैंने भर के चेक कर लिया था। तो ये कुछ इस तरीके से स्टील की बॉटल है मेरे पास। जो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल पे वीडियो देखे होंगे किचन के, तो उसमें आपने देखा होगा प्लास्टिक की दो बॉटल्स है मेरे पास, रेड कलर की, जिसमें वो पकड़ने का भी लगा हुआ है, और उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। वो भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और वो भी बहुत अच्छी, मेरी अभी ख़राब नहीं हुई, लेकिन मैं देखते देखते उनको बोर हो गई थी, इसलिए मुझे लगा कि कुछ थोड़ा सा चेंज करना चाहिए किचन में, ताकि किचन भी देखने में खूबसूरत लगने लगता है और अपने आप में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये स्टील की बॉटल मंगाई है। इसको मैं आपको पहले तो इस तरीके से देखिए, इसमें ये नोज़ल लगा हुआ है, तो आराम से आपका जो ऑयल या मतलब रिफाइंड या जो भी आपका सरसों का तेल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं निकलेगा। और उसके बाद अच्छे से ये सबसे मेन जो इसकी अच्छी बात है, ये अच्छे से क्लीन हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक वाली जो थी उसमें मुझे ब्रश डाल के और तब उससे क्लीन करना पड़ता था, लेकिन इसमें आराम से ग्लास की तरीके से हाथ डाल के और अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं। गर्म पानी में थोड़ी देर रखिए, उसके बाद अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। तो ये मैं काफ़ी टाइम से मैं इसको लेने की सोच रही थी, लेकिन मुझे अमेज़ॉन पर काफ़ी 600 इस टाइप से मुझे दिख रहा था। फिर जैसे ही मैंने मीशो पे देखा तो ये मुझे 511 में दो है ये, तो मैंने ले लिया। पहले मैंने सोचा कि एक मंगाते, फिर मैंने सोचा कि दोबारा ना दूसरी एक सी मिली तो फिर मेरा सेट ख़राब हो जाएगा, तो एक साथ ऑर्डर कर देते हैं। तो एक तेल की और एक रिफाइंड की, तो ये भी सेम ऐसी है। तो एक तो मैंने ये प्रोडक्ट लिया है जो कि किचन में यूज़ करने के लिए, और किचन का जो टूर है वो भी मैं जल्द ही लेके आने वाली हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो पहले बनाया, ताकि मैं जब किचन टूर अपना बनाऊँ तो उसमें मैं इन बॉटल्स को अपनी रख सकूँ। तो ये मैंने मंगाया था, और होली पे पूरा किचन अच्छे से डेकोरेट होगा ना, तो अच्छा भी लगेगा। तो और सबसे ज़्यादा काम लगता है तेल रिफाइंड की जो बॉटल्स होती हैं उनको, तो ये। और एक चीज़ और इसमें अच्छी है कि जैसे मैंने घी का डब्बा या फिर जो पास में सामने रखे रहते हैं उनको मैं अधिकतर गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो इसको भी पोंछ सकते हैं आराम से और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। क्योंकि अंदर से तो मैं अधिकतर जब खाली होता है तभी क्लीन करती हूँ, लेकिन बाहर से अक्सर मैं पोंछ देती हूँ तो साफ़ बना रहता है वो। उसके बाद मैंने मंगाए हैं डेकोरेशन के लिए ये कुशन कवर मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मुझे बड़ा शौक है कुशन कवर का, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कुछ थोड़ा सा, वही देखते देखते बोर हो रहे हैं कुशन कवर, तो ये मंगा लेते हैं। और ये भी मुझे काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिला, तो ये मैंने एक यूट्यूबर को देखा था, इसका रिव्यू उन्होंने किया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैंने भी ऑर्डर कर दिया उनका देख के। और ये मुझे 5 पीस रिसीव हुए हैं, जो कि ये देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रिंट में हैं। ये पिकॉक है, तो मैंने इसलिए भी इसको लिया कि आप लोग मतलब जो लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं, पन्नी बहुत तेज़ खड़खड़ हो रही थी, उन लोगों ने देखा होगा कि मेरे जो आगे वाले रूम में जहाँ पे काउच है वहाँ पे मैंने एक स्टिकर लगा रखा है, वो पिकॉक का स्टिकर है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि कुछ थोड़ा सा उससे मेरा मैचिंग का हो जाएगा, तो इसमें ये पिकॉक बना हुआ है। फिर ये सेकंड वाले में इस तरीके से है, और उसके बाद ये देखिए फिर ये मोर पंख बना हुआ है, और उसके बाद इसमें भी कुछ इस तरीके से मोर, हाँ इसमें दो मोर बने हुए हैं, और फिर ये है इसमें भी इस तरीके से मोर ही बना हुआ है। और अगर कपड़े की बात करें तो कपड़ा अच्छा है इसका, पीछे का जो ये वाला जो कपड़ा है ये भी ठीक है, उसमें रिव्यू में दिया हुआ था कि ये थोड़ा सा थिन है, तो डेली में तो लगाने नहीं है इनको, बस फेस्टिवल में लगा के फिर हटा देना है, क्योंकि एक ही तो कुशन कवर रहता नहीं है, मैं चेंज करती रहती हूँ। देखिए सी थ्रू है, तो ये थोड़ा सा है थिन,
तो ये तो मतलब रिव्यू में भी मैंने देख लिया था, तो मैंने ये सोच के ही मंगाया था कि मुझे डेली में तो इसको लगाना नहीं है, क्योंकि डेली में लगाने के लिए तो बहुत ढेर सारे हैं कवर, और इनको मैं फेस्टिवल पे ही लगाऊंगी। और ये जो मेरा कर्टन है ना, उससे भी मैच, क्योंकि मेरे कर्टन इस कलर के हैं और गोल्डन कलर के, तो काफ़ी हद तक ये मेरे कर्टन से भी बहुत मैच करेगा। तो इस वजह से मैंने इसको ऑर्डर कर दिया कि फेस्टिवल में लगाने के काम आएगा। और कपड़ा पीछे का थिन है, लेकिन ठीक है, इतना ख़राब भी नहीं है कि बिल्कुल एक ही बार में फट जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठीक है। और ये आगे का प्रिंट जो है ये बहुत अच्छा है, इसमें आगे का ये जो है इसके अंदर हल्की सी, मतलब ये बाहर कोई कपड़ा प्रिंटेड लगा, फिर उसके अंदर फोम है, फोम के साथ ये सिला हुआ है, तो काफ़ी सॉफ्ट सा है ये, देखिए इस तरीके से, तो अच्छा लग रहा है इसका कपड़ा। क्योंकि मेरे पास कॉटन के थोड़े से मतलब थे, वो जैसे रफ से हो गए, बाकी सिल्क के ज़्यादा हैं, तो गर्मियों में कॉटन ही ज़्यादा सही लगता है। इस वजह से भी मैंने ये ऑर्डर किए कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसका। और काफ़ी दिनों से मैं लेने वाली थी कुशन कवर, तो बड़े इसके डिज़ाइन, जो प्रिंट, कलर, ये सब बहुत प्यारे लगे मुझे। और ये मुझे 192 का पड़ा है, 192 में 5 है, तो मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी कि हाँ इतने कम रेट में मुझे मिल रहा है, क्योंकि अधिकतर मार्केट में तो 300-350 से नीचे कोई भी कुशन कवर नहीं मिलता है। तो इस वजह से भी मैंने इसको तुरंत जैसे ही देखा और रिव्यू देख लिया था इसका, तो जिन्होंने मतलब एक यूट्यूबर ने भी रिव्यू दिया था, फिर मैंने रिव्यू इसके पढ़ भी लिए, काफ़ी अच्छे इसके रिव्यू थे, बस मैंने तुरंत इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया। और इतनी जल्दी समय मीशो वाले ऑर्डर लेके आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मैंने 13 को ऑर्डर किया था और ये मेरा 19 को आने वाला था, लेकिन 15 को ही आ गया था। मैं वीडियो नहीं बना पाई, वीडियो काफ़ी लेट ये जाएगा, लेकिन ये मुझे 15 को 3 दिन में ही रिसीव हो गए थे। तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इनकी, बस वही पीछे का कपड़ा जो मैंने बताया, अगर आप बिल्कुल मतलब डेली यूज़ के लिए अगर बिछाएंगे तो फिर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सा कपड़ा है थिन, बहुत ज़्यादा नहीं ये वो रहेगा, लेकिन ये है कि फटेगा भी नहीं, क्योंकि कॉटन नहीं है, ये जो पॉलिस्टर कपड़ा होता है ना उसका इन्होंने वो दे दिया है अस्तर। लेकिन हाँ 192 में आप क्या लेंगे, तो ये पॉलिस्टर का कपड़ा जो है तो ये फटेगा भी नहीं, ये फटने वाला नहीं है। तो अगर आप लेना चाहें तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको, इसमें कोड होता है, कोड दे दूँगी दोनों का। तो दोनों चीज़ मेरी बहुत ही अच्छी आई हैं मीशो से, और अब आपको बस किचन टूर जल्दी देखने को मिलेगा, और उसके बाद ड्राइंग रूम, वो सॉरी बेडरूम का डेकोरेशन और आगे वाले रूम का डेकोरेशन, दो वीडियो मैं और लेके आने वाली हूँ अपने चैनल पे। तो बने रहिएगा इसी तरीके से मेरे चैनल पे इस अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।